ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में। तो भाई बहुत बड़ा सैड न्यूज रॉक के बारे में निकल कर सामने आ चुका है। रॉक का जो द स्मैशिंग मशीन जो फिल्म शूट हो रहा था उसके अंदर भाई रॉक को बहुत बड़ा एल्बो के अंदर इंजरी हो चुका है। भाई जब अभी इनको इंजरी हो चुका है तो भाई अब कोई भी चांसेस नहीं बनता भाई रॉक समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिले, क्योंकि भाई एल्बो इंजरी भाई कम से कम ठीक होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगता है। करेंट में सीएम पंक के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है। रॉक भाई बिल्कुल भी भाई समर स्लैम के अंदर नहीं आने वाला। इनफैक्ट भाई मतलब मूवी के अंदर भी इनको डिले होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जब तक रिकवर नहीं कर पाएंगे मूवी के अंदर शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोग समझो भाई फिल्म शूटिंग कितना टफ होता है कि मतलब फिल्म शूटिंग के दौरान इनको इंजरी हुआ। रॉक रेसलमेनिया 14 के अंदर आकर पूरा मैच रेसल कर गए, उसके बावजूद ही रॉक को कोई भी इंजरी नहीं हुआ, पर उनको फिल्म शूटिंग के दौरान उनको इंजरी हो चुका। आप लोग समझ सकते हो फिल्म शूटिंग कितना टफ होता है। बात करते हैं रिकोसे के बारे में। तो भाई रिकोसे अब जाने वाले, तो भाई बहुत सारे रेसलर अपना थॉट शेयर कर रहे हैं रिकोसे के साथ। रिसेंट टाइम में एमवीपी ने इस बात को रिवील किया कि एक टाइम पर हर्ट बिजनेस जो कि बॉबी लेस्ली का टीम था उसके साथ एक्चुअली रिकोसे को जोड़ा जाना चाहिए था। मतलब एक्चुअली डब्ल्यू वाले ने इस चीज को लेकर प्लानिंग की थी, पर बाद में शायद से ये प्लान मतलब चेंज हो गया। तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई करेंट टाइम रिकोसे के बारे में। आप लोग देखो रिसेंट टाइम मार्क हेनरी ने भी भाई रिकोसे के बारे में बोला कि रिकोसे को बहुत ज्यादा डब्ल्यू वाले यूज नहीं किया, डब्ल्यू वालों को मतलब सही तरीके से रिकोसे को यूज करना ही मतलब नहीं आया। और ये बात सही है भाई, मैं आपको रिकोसे का स्टेटस दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हो 199 मैच के अंदर रिकोसे आज तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर विन किए हैं, और 159 मैचेस के अंदर रिकोसे डब्ल्यू कंपनी के अंदर हारे, मतलब अप्रोक्स 50% मैच हारे हैं। 8 मैच इनका ड्रॉ हुआ, मतलब भाई बहुत ज्यादा रिकोसे को डब्ल्यू कंपनी के अंदर पुश नहीं किया गया था। एक और मैं आपको बहुत सैड फोटो दिखाता हूं, आपको शायद से बुरा भी लग सकता है। जेट कारगिल जब एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ रही थी तो सबको पता था एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ रही, तो मतलब उनको बहुत अच्छा एक फेयरवेल दिया गया था। पर जब रिको से डब्ल्यू कंपनी को छोड़ रहे थे और सबको पता था कि रिको से छोड़ने वाले, तो भाई आप लोग देख सकते हो उनका फेयरवेल किस तरीके से दिया गया। इसलिए भाई मुझे टोनी खान बहुत पसंद आता है, ये बंदा चाहे जो भी हो पर वहां दिल का मतलब बहुत अच्छा बंदा है। डब्ल्यू कंपनी के अंदर विंस मैकमैन के एरा से ही रूल था, किसी भी रेसलर को फेयरवेल मिलता ही नहीं था। आप लोग किसी भी रेसलर का नाम ले लो, जैसे विक्सो हो गए, हमारे मार्क हेनरी हो गए, केन हो गए, किसी भी रेसलर को मिला ही नहीं है। तो छोड़ो यार, पर हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई मुझे रिकोसे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं चैट केवल के बारे में। तो भाई क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर चैट केवल भाई आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत सारे मीडिया सोर्सेस इस बात को अपने तरफ से कंफर्म कर रही है। पर हाँ मैं आपको बताता हूँ ये चीज एक्चुअली मतलब कैसे पॉसिबल है। देखो भाई अगर चैट केवल भाई अगर विन करें तो भाई एक ही कंडीशन में विन करेंगे, अगर ओटिस उनका साथ दे। तो भाई ऐसा हो सकता है ओटिस भाई जिस तरीके से गुलामी कर रहे हैं चैट केवल का, स्टिल वो गुलामी करते ही रहे मतलब क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर, जिसके कारण चैट केवल विन कर जाओ सैमी जेन हार जाए। भाई आप लोग बिलीव करो, जैसे चैट केवल विन करेंगे भाई समर स्लैम के राउंड विद्रोह कर देने वाले हैं ओटिस मतलब चैट केवल के ऊपर। आप लोग इस बात को बिलीव करो, अभी करंट टाइम में सैमी जेन चैंपियन है, करंट टाइम मतलब उसके बाद फिर चैट केवल बनेंगे, फिर ओटिस बनेंगे। और आपको शायद से चैट केवल वर्सेस ओटिस का मैच इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जहां ओटिस भाई फिर से चैट केवल को मतलब फाइनली हरा सकते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी आपको शायद से क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर शायद से चलने वाला है। भाई कुल मिलाकर बात है कि भाई मतलब चैट केवल का हेल्प ओटिस करने वाले हैं क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर। लोगों को लग रहा था कि फाइनली ओटिस विद्रोह कर देंगे, पर भाई वो विद्रोह नहीं करने वाले क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आपको न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आपको चैट केवल देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भाई मुझे फिर ये डर लग रहा है कि सैमी जेन का भाई कचड़ा ना हो जाए, क्योंकि वो कौन से स्टोरी लाइन के अंदर फिर जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सी रेट के बारे में। तो भाई आप लोगों ने सेक्सी रेट का बहुत सारा फोटो देखा होगा एनएक्सटी सुपरस्टार के साथ। आई थिंक मैंने आपको कल ये वाला वीडियो भी दिखाया था जिसके अंदर ये शॉन माइकल के साथ मुजरा कर रही थी एनएक्सटी के अंदर, आपने देखा भी होगा। तो भाई सेक्सी रेट के बारे में भाई सैड न्यूज़ है कि भाई पुलिस वालों ने सेक्सी रेट को अरेस्ट कर लिया है। और वो इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि भाई एयरपोर्ट के ऊपर इनका रियल वाला कोई झगड़ा वगैरह हो गया। मैं वीडियो यहाँ पर नहीं प्ले कर सकता क्योंकि भाई वीडियो के अंदर एक इंसान का पैंट खुल गया था। हाँ भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसमें से एक मतलब सेक्सी रेड भी यहाँ पर थी। ये शायद एनएक्सटी का जो शो हुआ था उससे पहले ये चीज हो चुका था, उसके बाद मतलब इनको अरेस्ट किया गया। तो देखते हैं भाई इनको कब तक बेल मिलता। वैसे इनका वीडियो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं एजे ली के बारे में। तो भाई एजे ली भाई रिसेंट फिल्म फेस्टिवल के अंदर आए थे, आप लोग देख सकते हो भाई कितना कमाल का ये लग रही है। एजे ली के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई अभी करंट टाइम फिल्म वगैरह बनाती है, वेब सीरीज वगैरह बनाती है। वेब सीरीज मतलब आप लोग उल्लू ऐप को मत समझ लेना, मतलब ये अच्छा वाले वेब सीरीज वगैरह बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सिन्हा के बारे में। तो भाई आज के 18 साल पहले भाई जॉन सिन्हा को एमवीपी ने हराया था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट के लिए। ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं ये मतलब 2006 का स्टोरी था। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर टी के बारे में। तो भाई बुकर टी ने रिसेंट टाइम इस बात को कंफर्म कर दिया कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अब खत्म होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो भाई करंट टाइम बुकर टी भाई एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर कमेंट्री वगैरह सारा चीज करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई ये किसी और कंपनी के अंदर शायद से नहीं जाने वाले, क्योंकि भाई इनको जो जॉब मिला है ये जॉब को 80 बरस तक ये कर सकते हैं, ऐसा जॉब बहुत कम लोगों को मिलता है। तो बढ़िया यार, शायद से मतलब बुकर टी भाई फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो भाई समर स्लैम का भाई टिकट सेल का लिस्ट निकल कर सामने आ चुका है। करंट टाइम 46,000 टिकट भाई ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई 1 महीने पहले मेरे पास सेम यही रिपोर्ट निकल कर सामने आया था कि 45,000 उस टाइम पर मतलब टिकट सोल्ड आउट हो गया था। तो मुझे नहीं पता भाई इस रिपोर्ट पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई दोबारा मतलब सेम ही नंबर को अप्रोक्स से मतलब बता रहा है। वैसे भाई समर स्लैम के अंदर भाई अब रॉक भी नहीं आने वाले, तो भाई मुझे अब डर लग रहा है समर स्लैम कैसा होगा। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू
वाले भाई प्लीज भाई इज्जत बचा लेना, क्योंकि भाई बहुत टाइम से हम लोगों ने एक अच्छा पीपीवी को देखा ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और इलिजा ड्रैगनोव का जो मैच था भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर, वो मैच बहुत कमाल का था। मतलब लिटरली 5 स्टार रेटिंग वाला मैच था। आप लोग देख सकते हो भाई उस मैच को मतलब किसने बनाया था, सोन दाइवारी शायद से इनका नाम है। तो भाई मतलब कोई भी मैच होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो एक्चुअली कोई डायरेक्टर उस पूरे मैच को क्रिएट करता है, बनाता है उसको। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि मतलब जो फिल्म शूटिंग होता है उससे पहले फिल्म को लिखा जाता है, उसी तरीके से मैच को पूरा लिखा जाता है। जिस तरीके से भाई हीरो जाकर फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हैं, उसी तरीके से भाई रेसलर भी रिंग के अंदर जाकर एक्टिंग करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग हीरो को रिप्लेस कर दो एक्टर से, मतलब दोनों डिफरेंट चीज है। पर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैचेस होते हैं सारे मैच लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच का भाई रिसेंट टाइम में एक फोटो निकल कर सामने है, बहुत सारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बैकी लिंच ने भाई इस फोटो को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, मस्ट बी मंडे करके यहाँ पर मतलब इन्होंने लिखा। तो शायद से बैकी लिंच इस बात को बताना चाहती है कि मंडे के दिन ही मंडे नाइट रॉ होता है, जिसके अंदर मैं जाकर कभी परफॉर्म किया करती थी 2 हफ्ता पहले। अब वो करंट टाइम मंडे के दिन मतलब किस तरीके से सैड हो, मतलब अकेला यहाँ पर फील कर रही है। मुझे जहां तक लगता है भाई मतलब बैकी लिंच यही चीज को बताना यहाँ पर चाह रही है। बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स भाई जैसा कि मैं आपको कल बताया था एनएक्सटी के ऊपर कोडी रोड्स गए थे, और वहां पर जाकर भाई उन्होंने बैटल रॉयल मैच को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके अंदर टोटल मतलब 25 रेसलर होने वाले हैं। 25 रेसलर में से जो भी रेसलर बैटल रॉयल को विन करेगा वो एनएक्सटी चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। बेसिकली भाई नंबर 1 कंटेंडर को मैच को सेट करने के लिए मतलब कोडी रोड्स एनएक्सटी के ऊपर गए। वैसे कोडी रोड्स के अंदर भाई एक चीज है भाई, कोडी रोड्स बहुत ज्यादा इमोशनल एक रेसलर है, बहुत ज्यादा एक हम्बल रेसलर है। उनके अंदर ऐसा कोई भी ईगो नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होकर कैसे एनएक्सटी के ऊपर वो चले जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई बहुत टाइम से कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन मतलब एनएक्सटी के ऊपर अपीयर हुआ। रोमन रेंस का बात करें तो भाई वो कभी मतलब स्मैकडाउन के ऊपर नहीं जाते थे, भाई मतलब एनएक्सटी के ऊपर क्या जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रे मिस्टोरो के बारे में। तो भाई रे मिस्टोरो ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 1000 मैच के अंदर अपना विक्ट्री को ले लिया। और मुझे नहीं याद भाई शायद से मैंने ये चीज को आपको पहले भी बताया था शायद। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 10 से भी कम ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा मैचेस के अंदर विन किया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट्रूथ के बारे में। तो भाई आपको शायद से बुरा लग सकता है, पर भाई आर्ट्रूथ का ये जो टाइटल रेन चल रहा है भाई, ये करंट टाइम में 14 साल में सबसे लंबा टाइटल रेन है। मतलब भाई पूरे 14 साल में भाई आर्ट्रूथ कभी 60 दिन तक भी मतलब कभी चैंपियन नहीं बने रहे हैं, क्योंकि भाई अभी करंट टाइम में टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट को भाई सिर्फ मतलब 60 दिन हुए रेसलमेनिया 40 खत्म हुए। मतलब आप समझ रहे हो मतलब ये कितना बुरा चीज है भाई, 14 साल में इनका एक भी टाइटल रेन मतलब 60 दिन का भी नहीं रहा है। वैसे मेरे ख्याल से भाई समर स्लैम तक भाई ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रहने वाला, उससे पहले कोई भी इनको नहीं हराएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैश ऑफ द कार्सल के बारे में। तो भाई यही 5 मैचेस क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर होने वाला, आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं सही बताऊं तो भाई मैं बहुत ज्यादा क्लैश ऑफ द कार्सल के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। चलो ठीक है, अंकल हॉडी आ रहे हैं उस बात को मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा खुशी है। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल भाई करंट टाइम में एज ए चैंपियन 220 दिन मतलब भाई उनका हो चुका है। मेरे ख्याल से भाई लोगन पॉल ने भाई लिटरली मतलब हिस्ट्री को ही मतलब क्रिएट कर दिया है। वैसे एक चीज और भाई, शायद से लोगन पॉल भाई अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बेल्ट को शायद से भाई मनी इन द बैंक के अंदर शायद से हारने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इसके बाद वाला जो स्मैकडाउन है उसमें से एक स्मैकडाउन के अंदर आने वाले लोगन पॉल स्मैकडाउन के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू वाले ने पहले से एडवर्टाइज यहाँ पर कर दिया। साथ ही साथ भाई जेओ सो भी स्मैकडाउन के ऊपर आने वाला, मतलब भाई स्मैकडाउन के ऊपर जुलाई मंथ के अंदर बवाल कटने वाला है। भाई अगर स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल आते हैं तो भाई प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है भाई एलए नाइट इनको मैच के लिए चैलेंज कर दे, चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। मैं अभी पूरा कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, पर भाई ये चीज कंफर्म है, अगर इनका मैच मनी इन द बैंक के अंदर होने वाला तो भाई अपने टाइटल को हारने वाला, ये चीज आप लोग कंफर्म ही मान लो। लोगन पॉल भाई शायद से वर्ल्ड चैंपियंस बेल्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता भाई, पर हाँ ये अपने टाइटल को हारने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं रिकी सी के बारे में। तो भाई रिकी सी भाई रिसेंट में सोलो सिग्वा के साथ एक फोटो को शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं दोनों बाप बेटा यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। मेरे पास भाई इनफैक्ट भाई रिकी सी और सोलो सिग्वा का भाई एक मतलब 2 साल वाला फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी वीडियो का। मैं अभी उस फोटो को ढूंढ रहा था पर मुझे मिला नहीं, पर हाँ वो फोटो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जरूर मिला। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर भाई फिर से रिसेंट में स्पॉट हुए अपनी बेटी के साथ, आप लोग देख सकते हैं भाई सच में भाई मतलब आंख नम हो जाता है ब्रॉक लेसनर को देखने के। वैसे भाई अगर हम लोग माया लेसनर के बारे में बात करें तो भाई इन्होंने मतलब सारा रिकॉर्ड को तोड़ दिया रिसेंट में, बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग जरा इनका बाइसेप देखो भाई, ये करंट में 22 के, मेरे ख्याल से भाई मेंस रेसलर से भी ज्यादा इनका बाइसेप है करंट में। मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर करंट है अपना बेटा से ज्यादा अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दे रहे, क्योंकि भाई मतलब रिसेंट में बहुत बार अपनी बेटी के साथ ही स्पॉट हुए हैं। मतलब भाई ब्रॉक लेसनर क्या समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे इसके बारे में भाई कोई भी रिपोर्ट नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा रिपोर्ट जरूर से कि भाई विंस मैकमहन का जो भी केस वगैरह सारा चीज चल रहा था भाई वो करंट में रोक दिया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई इन्होंने शायद से जज को पैसा वगैरह खिलाया होगा, भाई जज ने मतलब इस वाले केस को करंट में रोक दिया। तो मे बी भाई ये शायद से गुड चीज हो सकता है ब्रॉक लेसनर के लिए, मतलब ब्रॉक लेसनर रिटर्न शायद से कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई मैं आपको बोल दूं ब्रॉक लेसनर अगर नहीं आया तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा हार्ट। वैसे भाई आप लोग जो ये फोटो देख रहे हो ये ब्रॉक लेसनर का सबसे लास्ट फोटो जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरा से लिया गया है। समर स्लैम के अंदर जब ब्रॉक लेसनर कोडी रोड से हारे थे उसके बाद भाई बैक स्टेज ये वाला फोटो निकल कर सामने आया था बैक स्टेज। तो क्या बोलूं भाई, मुझे मतलब लिटरली कुछ भी नहीं बोलना। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही था, तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।